भाई कट लगाए जा रहे हैं बकरे लगा 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 पकड़ो। हेलो तू बोल खाली हमसे यार, हम तो है ये लगा इस पे भी देख के रहा हुई है ना चुड़ी साथ नहीं लगा भाई। हाँ तेरे हाथ में लगे मेरे हाथ में लगे तो भी मार। कट लगाए थे वो आड़ा और मार आड़ा आड़ा तुम बताते जाओ वो मारेंगे साथ लगाएंगे तुम मारो तुम बताओ आप साथ से लगवाओ क्योंकि छुरी चलाने के तो साथ ही माहिर है ना भाई साथ को भी ले लेते हैं वरना साथ बुरा मान जाएंगे। ऐसे ना करो सिर्फ एक ही सिंगल सिंगल का हर बार का वो गल अरे भाई इसको बोले ना सही से बाल फिर भी है इसके अंदर ना मैं करूंगा बंदोबस्त इसमें सारा तुम काम किया हुआ पहले से पलटो जंगली खरगोश रेड अच्छे दे अच्छा सीधे सीधे काट रहा हूँ सिरके से भाई सिरके से धुल रहे सिरके और नमक से ताकि इसकी हीक वगैरह निकल जाए। सिरका नमक और लहसुन अदरक लहसुन अदरक का पेस्ट इसको लगाया जा रहा है। भाई इसमें पहले नमक सिरका और लहसुन अदरक वगैरह लगा के इसको ये समझे कि इसको उससे धोया जा रहा है। सालिम बकरा दम पोख स्टीम रोस्ट सालिम बकरा नहीं है सालिम बकरा स्टीम रोस्ट स्टीम रोस्ट ये साफ करने के लिए जो है वो इसको सिरका नमक का पानी और लहसुन अदरक इससे साफ किया गया है। ये सारा पानी अभी फेंका जाएगा मजीद नमक डाला जा रहा है रच जाए ये फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं इसको सिरके और नमक की खुशबू सिरके की बड़ी आ रही है इसमें से उठ रही है क्योंकि इसको ऑयल में मैगी में पहले फ्राई कर रहे हैं इसको ना कोई और
भाई एक तरफ से फ्राई करके दूसरी तरफ से पलट दिया गया है इसको, कैसे अदरक सिरका वगैरह लगा के पहले इसको फ्राई किया जा रहा है जैसा कि आपको दिखाया हमने। भाई आवाज़ें सुन रहे हैं आप, चटपट आवाज़ें आ रही हैं, फ्राई हो रहा है फुल, वाह वाह। भाई एक साइड से फ्राई हो चुका है, दूसरी साइड से हो रहा है। भाई फ्राई करके निकाल लिया इसको, स्टीम के लिए तैयार है सालिम बकरा। इसमें नीचे पानी है, ये ऊपर एक इसके एक प्लेटफॉर्म सा रखा हुआ है जिसमें ये रखा हुआ है बकरा, और इसमें आप मसाला लगाने लगे साथ। मसाला मैंने आपको दिखाया तो कैसा मसाला है, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई मसाला लगना शुरू हो गया। जी सर, सफाई सुथराई के साथ। सर ये काउंटर से पता करें, अलग अलग साइज है। ये स्टीम रोस्ट, ये स्टीम रोस्ट है, सालिम स्टीम रोस्ट। मटन फूल है, मटन की चावल फूल है भाई ये। अच्छा इसके अंदर चावल भी होंगे ना? चावल भी होंगे, चावल भरे जाएंगे इसके अंदर। बिरयानी भी होती है, अफगानी पुलाव भी होता है, काबली पुलाव भी इसमें डाल जाता है। हाँ, क्योंकि कस्टमर जो रिक्वायरमेंट करता है उस हिसाब से कितना होता है। अफगानी भाई से बात। अफगानी भाई अस्सलाम वालेकुम। अफगानी भाई मुझे बताइएगा, मसाला आपने लगाया है ऊपर ऊपर से तो हमें नजर आ गया, ये जो अंदर से जो खोखली जगह है वहाँ पे भी लगता है मसाला? वहाँ पे भी सर मसाला लगता है, और इसको मैंने इससे पहले नमक और सिरके में भिगो कर रखा था इसलिए ताकि इसका जो नमक है ना इसके अंदर पूरा रच जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर मसाला सारा इसके अंदर अंदर तक जाएगा, इसकी हड्डी तक। भाई मसाला बड़े अच्छे तरीके से लग रहा है इसके अंदर। भाई देखिए हर जगह इसके मसाला लग जाएगा, कोई इसका हिस्सा नहीं बचेगा मसाले के लिए। अंदर तक वनी भाई मसाला लगा रहे हैं इसके, मसाले का जो टेस्ट है ना, मैंने मसाला हल्का सा चख के देखा है एक देसी तरीके से थोड़ी सी बॉयल बोटी में, ओहो मसाले का जो टेस्ट आया ना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्या टेस्ट है मसाले का। अगर आपको ट्राई करना है तो आप आएँ कोयला किंग्स और यहाँ पर आके ये सालिम बकरा ट्राई करें। वाह वाह, इसके अंदर मसाला जो है ना मैंने लगाया, और ये जो मसाला नीचे जाएगा पानी में उससे भी टेस्ट निकलेगा, उससे भी टेस्ट निकलेगा और उससे इसकी खुशबू बढ़ जाएगी। अच्छा वानी भाई ये कितनी देर में बन जाएगा स्टीम? तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। भाई 2-2.5 घंटे इसको स्टीम रखना होगा। आग हम आपको दिखाते हैं इसकी कितनी है, ये आग है इसकी। ठीक है, इस आग में जो है ये तकरीबन 2-2.5 घंटे स्टीम रहेगा। अभी इसको ढक दिया जाएगा ऊपर से, बघार लग रहा है इस पे देखें आप। क्या बात है, क्या बात है। गनी उस्ताद नाम है, किसी को पकवाना हो उनसे कांटेक्ट करें। बस ठीक है उस्ताद जी, बहुत है। अयाज उस्ताद आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे इंशाल्लाह खा के ना मुझे कमेंट करें और लाइक करें।
और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है साहब, बहुत है, कितने लोगों ने खाने हैं?